नमस्कार, किस्सा कुर्सी का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ निशा बाजवा चौधरी। लोकसभा चुनाव में 4 चरणों की वोटिंग पूरी हो चुकी है। अब तक 374 सीटों पर मतदान हो चुका है। अब बारी है 5वें चरण की, जिसके लिए 6 मई को वोटिंग होनी है। और ये जो वोटिंग होगी 6 मई को, इसमें 5वें चरण के जो 7 स्टेट्स मैदान जंग में होंगे, 51 सीटों के लिए ये मतदान होगा। ग्राफिक्स के जरिए हम आपके सामने कुछ डेटा रख रहे हैं। 5वें चरण का दंगल जो होने वाला है, उसका डेटा ये आपके सामने है। 6 मई को वोटिंग होनी है। 7 राज्य इसमें दांव पर लगेंगे और 51 सीटें वो रहेंगी जहां पर मतदाता बाहर निकलेंगे और अपना अपना मतदान करके इस लोकतंत्र के पर्व में कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे। तो 668 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला 5वें चरण की वोटिंग में होगा। ये वो डेटा है जो हम आपको ओवरऑल दिखा रहे हैं कि 5वें चरण का जो दंगल होगा उसमें 7 राज्य एट स्टेक हैं, 51 सीट्स, 51 सीटों के लिए वहां पर मतदान होगा और 668 प्रत्याशी इस 5वें फेज में किस्मत का दाव आजमाएंगे अपने अपने चुनाव के लिए। सब लोग लगे हुए हैं, सब लोग अपने लिए कैंपेनिंग में जुटे हुए हैं। इस वक्त इन 7 राज्यों की 51 सीटों पर गहमा गहमी बड़ी हुई है। अब आपको जरा ये भी बता देते हैं कि किस राज्य की कितनी सीट्स इस चरण में महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहां पर इलेक्शन होने जा रहे हैं, वोटिंग होने जा रही है। तो डेटा के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि बिहार की 5 सीटें हैं जो इस वक्त 5वें फेज के लिए इम्पोर्टेंट हो जाती हैं, क्योंकि वहां चुनाव है। जम्मू कश्मीर की 2 सीटें हैं। वहीं झारखंड की अगर बात करें तो झारखंड में 4 सीटें हैं जहां 6 मई को 5वें फेज का मतदान होना है। मध्य प्रदेश में 7 सीटें हैं जहां पर मतदान होगा। राजस्थान की 12 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश, जो कि लोकसभा इलेक्शन में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है कॉन्स्टिट्यूएंसीज वाइज और मेंबर पार्लियामेंट वाइज भी, तो वहां पर 14 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जो 5वें चरण में 6 मई को, जहां उनकी किस्मत का फैसला इन कॉन्स्टिट्यूएंसीज का होगा। और पश्चिम बंगाल की भी 7 सीटें हैं जो अहम है। हालांकि पश्चिम बंगाल इस वक्त कहीं ना कहीं फैनी तूफान की मार झेल रहा है, लेकिन ये पश्चिम बंगाल की 7 सीटें हैं जो इम्पोर्टेंट रहने वाली है। अब जब भी चुनाव की बात होती है तो पिछले चुनाव से कंपैरिजन कहीं ना कहीं हो ही जाता है। तो 5वें चरण की 51 सीटें 2014 में जनादेश वहां से क्या निकल के आया था, वो आपको डेटा के जरिए हम बता रहे हैं कि क्या वहां रिजल्ट्स निकल कर आए थे। तो बीजेपी के पास 39 सीटें आई थी, क्लियर 51 में से 39 सीटें बीजेपी ले गई थी। मात्र 2 सीटें कांग्रेस के पास आई थी। ये एक बड़ा दिलचस्प फैक्टर है। कांग्रेस का पिछली बार बहुत बुरा हाल कहें तो गलत नहीं होगा था 2014 में। इस बार वो क्या करामात करती है, जनता क्या उनके लिए फैसला करती है, ये पता चलेगा। टीएमसी के पास 7 आई थी सीट्स, एलजेपी के पास मात्र 1 सीट आई थी, आरएलएसपी के पास 1 और पीडीपी के पास भी क्लियरली सिर्फ 1 सीट थी। तो कहीं ना कहीं 2014 में बीजेपी का पलड़ा बहुत भारी था। अब बात करेंगे कुछ ऐसी सीटों की, ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज की जिनके कैंडिडेट्स इतने वीआईपी हैं कि वो जो उनकी सीट है वो भी टॉक ऑफ द टाउन या यूं कहें चर्चा का विषय बनी हुई है। तो सबसे पहले राजनाथ सिंह लखनऊ से 2019 में चुनाव लड़ने जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से। पिछली बार भी ये लखनऊ से चुनाव लड़े थे और जीते थे। इस बार भी सीट वही है उनकी, लखनऊ से प्रत्याशी है। अगली सीट है रायबरेली से, जो क्लैश ऑफ टाइटन्स सोनिया गांधी हमेशा की तरह ट्रेडिशनल सीट अपनी रायबरेली से, वो कांग्रेस की प्रत्याशी हैं। रुख कर लेते हैं अगली वीआईपी सीट का, अमेठी। अमेठी से राहुल गांधी इस बार फिर से मैदान में हैं और उनके सामने कौन है ये सब जानते हैं, इसके बारे में हम बाद में डिटेल में बात करेंगे। फतेहपुर से साध्वी निरंजन ज्योति बीजेपी की कैंडिडेट हैं, ये भी अपने आप में एक सबके नजरों के केंद्र में बनी हुई है। धौरहरा से जितिन प्रसाद कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी विजय मिश्रा इस वक्त जुड़ रहे हैं। विजय मिश्रा, आपसे समझ लेते हैं कि किन किन सीटों पर जनता की भी नजर रहने वाली है, वो आपसे समझ लेते हैं। और इस वक्त क्या माहौल चल रहा है, 6 मई को वोटिंग है, 5वां फेस है, 7 राज्य और 51 सीटें।
बिल्कुल सही कहा निशा जी आपने कि इस समय लोकसभा का एक महापर्व चल रहा है और उत्तर प्रदेश की 14 जो सीटें हैं उस पर इसमें सभी की नजरें गड़ी हुई हैं और मुझे लगता है कि 7 राज्यों में भले ही 51 सीटों पर ये पूरे चुनाव 6 मई को डाले जाएंगे, लेकिन सबसे ज्यादा नजर जो रहेगी वो सबसे पहली सीट है अमेठी, क्योंकि यहां पर 2 कड़े मुकाबले बिल्कुल सामने देखने को मिलेंगे। यानी राहुल गांधी जो है वो यहां पर अपनी परंपरागत सीट से चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे और ठीक उनके सामने दूसरी बार स्मृति ईरानी यहां पर चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। और यहां पर एक कड़ी टक्कर हमेशा रहती है, यानी कहा जाए तो एक कड़ा मुकाबला रहता है। एक अच्छा प्रत्याशी के रूप में कहा जा सकता है कि स्मृति ईरानी और राहुल गांधी एक दूसरे को टक्कर देते हैं। हालांकि पिछली बार जो है ये सीट जो है वो राहुल गांधी यानी कांग्रेस के खाते में थी, इस बार इस चुनाव में दोनों ही प्रत्याशियों की तरफ से काफी जोर लगाया गया है। प्रियंका गांधी लगातार यहां पर इस समय बनी हुई है, यानी कि करीब 2 दिन तक वो अमेठी में बनी रही, उसके बाद फिर 2 दिन वो रायबरेली में बनी रही, जबकि आज उन्हें लखनऊ में रोड शो करना था लेकिन इसको कैंसिल करके वो एक बार फिर से अमेठी में थी। अमेठी में उनका लगातार हवाई दौरा यानी कहा जा सकता है गाड़ी। ठीक है विजय, हम पहले अमेठी पर ही बात करेंगे, फिलहाल मुझे एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना है, आप हमारे साथ बने रहिए। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, वापस आएंगे तो अमेठी पर एक बार फिर से हमारे सहयोगी के साथ चर्चा करेंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे हैं 5वें फेज की, जो चुनाव 6 मई को होने जा रहे हैं। 7 राज्य और 51 कॉन्स्टिट्यूएंसीज अपनी किस्मत आजमाएंगी। मेरे आप सामने ये जो ग्राफिक देख पा रहे हैं ये लखनऊ की कॉन्स्टिट्यूएंसी की हम बात कर रहे हैं। राजनाथ सिंह, प्रमोद कृष्णम और पूनम सिन्हा, ये 3 वो दिग्गज हैं जो एक दूसरे को मुकाबला देते नजर आएंगे। और इसी पर बात करने के लिए मेरे सहयोगी विजय मेरे साथ जुड़े हुए हैं। विजय, ये एक अहम सीट बन जाती है क्योंकि वीआईपी कैंडिडेट्स यहां पर 1 से ज्यादा हैं। बिल्कुल सही कहा निशा आपने, क्योंकि सबसे खास बात यह रही है कि जो लखनऊ की जो सीट रही है वो हमेशा ही भाजपा की केंद्र बिंदु रही है। यहां से जो भी प्रत्याशी लड़ते रहे हैं वो या तो सीधे दिल्ली की राजनीति की है या फिर प्रधानमंत्री के चेयर पर बैठे हैं या फिर गृहमंत्री, मतलब ये कहा जा सकता है कि हमेशा से ही बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण और सबसे हॉट सीट रही है लखनऊ। और सबसे खास बात यह है कि ये लखनऊ की सीट सिर्फ जीतना ही नहीं, इस जीत की मार्जिन कितनी बड़ी रही है होती है इस पर काफी ज्यादा की निगाहें होती हैं। इस बार दूसरी बार राजनाथ सिंह जो है वो यहां से चुनाव लड़ रहे हैं, हालांकि इसके पहले लालजी टंडन इस पर चुनाव लड़ रहे थे, हालांकि अब वो राज्यपाल बना दिए गए। और अब यहां से राजनाथ जी जो दोबारा यहां पर अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं और यहां पर उनके सामने शत्रुघ्न सिन्हा की पत्नी पूनम सिन्हा है। कांग्रेस ने भी यहां पर प्रमोद कृष्णन को चुनाव मैदान में उतारा है और जाहिर सी बात है कि यहां पर लोकल होने का एक फायदा जो है वो गृहमंत्री राजनाथ सिंह को बाकायदा मिल रहा है। बाकायदा हालांकि सबकी यहां पर रैलियां हो रही हैं, रोड शो हो रही हैं, जनसभाएं हो रही हैं, सबके लिए बड़े बड़े चेहरे जो आ हैं वो यहां पर आकर के प्रचार कर रहे हैं, चाहे मोटरसाइकिल रैली हो। ठीक है, मुझे तो लखनऊ एक अहम सीट है और अब इन वीआईपी कैंडिडेट्स की वजह से इसका महत्व और अट्रैक्शन जो है वो और ज्यादा बढ़ जाता है। मेरे सहयोगी विजय, अजय जांडियाल और शिव पूजन मेरे साथ जुड़े हुए हैं। फिलहाल मुझे यहां रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए, वापस लौटेंगे तो जम्मू कश्मीर और बिहार की भी बात करेंगे। मई को मतदान होना है, हम बात कर रहे हैं कि कौन कौन से वो वीआईपी कैंडिडेट्स हैं जिनकी वजह से उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी की तरफ सबकी नजरें आ टिकी हैं। तो सबसे पहले आपको अब बिहार के कुछ कैंडिडेट्स वीआईपी कैंडिडेट्स बता देते हैं कि किन की वजह से निगाहें उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी की तरफ आ गई हैं। तो राजीव प्रताप रूडी है जो सारण सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, बिहार में ये कैंडिडेट हैं और बीजेपी के प्रत्याशी हैं। राजीव प्रताप रूडी जो सारण बिहार से अपनी किस्मत आजमाएंगे बीजेपी के लिए। दूसरे कैंडिडेट है बाबूलाल मरांडी जो कोडरमा से झारखंड से प्रत्याशी हैं और इनकी वजह से भी इस कॉन्स्टिट्यूएंसी की तरफ सबकी नजरें आ टिकती हैं। तो अगले वीआईपी कैंडिडेट की हम आपको बात बता देते हैं, सुबोध कांड सहाय रांची से कैंडिडेट हैं, कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और इनकी वजह से भी सबकी निगाहें इनकी रांची सीट की तरफ आ जाती हैं। अगले प्रत्याशी की बात करेंगे, जयंत सिन्हा हजारीबाग से ये बीजेपी के कैंडिडेट हैं जिनकी वजह से इनकी सीट इंपॉर्टेंट हो जाती है, ये वीवीआईपी कैंडिडेट जयंत सिन्हा। और अगली अब तस्वीर आपके सामने है अर्जुन राम मेघवाल की जो बीकानेर राजस्थान से बीजेपी के प्रत्याशी हैं, इनकी वजह से बीकानेर की सीट के इलेक्शन भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और सबकी निगाहें इस ओर रहेंगी। राज्यवर्धन सिंह राठौर
स्पोर्ट्स पर्सन है, जयपुर ग्रामीण से बीजेपी के मौजूदा सांसद भी हैं और इनकी वजह से इनकी सीट भी हॉट सीट हो जाती है। अगली सीट की बात करेंगे, हनुमान बेनीवाल नागौर राजस्थान से, ये भी अपनी सीट की ओर सबकी निगाहें राजस्थान में खींचने वाले हैं। इसके बाद दिनेश त्रिवेदी की बात कर लेते हैं, बैरकपुर पश्चिम बंगाल से ये कैंडिडेट है टीएमसी के और इनकी वजह से बैरकपुर की सीट पर सबकी निगाहें रहने वाली हैं। अगले वीआईपी कैंडिडेट की अब बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं अपने कुछ सहयोगियों से। मैं जानना चाहूंगी अगर हमारे साथ शिव पूजन झा अगर जुड़े हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं कुछ ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज और उनमें किनका किससे सामना होने वाला है वो ग्राफिक्स। राजीव प्रताप रूड़ी वर्सेस चंद्रिका, ये एक अहम सारण का जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसका मुकाबला देखने वाला होगा। तो मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं, शिव पूजन झा के पास चलते हैं। शिव पूजन, आपसे समझना चाहेंगे, हम बता रहे हैं कि कौन कौन कैंडिडेट्स हैं जिनकी वजह से उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी अहम हो जाती है, आपसे भी ये समझना चाहेंगे किन कैंडिडेट्स पर बिहार के लोकल लोगों की नजरें रहने वाली है। जाहिर तौर पर आपने जिक्र किया राजीव प्रताप रूडी का और सबकी निगाहें राजीव प्रताप रूडी पर है, अपनी सीट बचा सकते हैं या नहीं, क्योंकि इस बार चुनावी मैदान में लालू यादव के समधी चंद्रिका राय चुनावी मैदान में है। महागठबंधन की अगर तस्वीर की हम बात कर लें तो छोटे भाई बड़े भाई में चूंकि बनती नहीं, तो लगातार बड़े भाई यानी कि तेज प्रताप यादव ये कहते नजर आए थे कि अपने ही फादर इन लॉ के खिलाफ वो कैंपेन करेंगे, बगावत का बिगुल उन्होंने फूंक दिया था। तो यानी कि महागठबंधन को चुनौती सिर्फ राजीव प्रताप रूडी से या भाजपा से नहीं है, बल्कि चुनौती अंदर से भी है, तेज प्रताप यादव की तरफ से भी। अगर थोड़ी सी भी सेंध लगा सकते हैं वो महागठबंधन के वो शहर में, तो कहीं ना कहीं राजीव प्रताप रूडी को इसका फायदा होता नजर आएगा। ठीक है, ठीक है। इसी बीच हजारीबाग सीट की बात कर लेते हैं, जहां पे जो कंपटीशन किनका किनके साथ है वो आपके सामने वो तस्वीर है, जयंत सिन्हा और गोपाल साहू के बीच ये मुकाबला होने वाला है। तो ये दोनों हजारीबाग सीट को अहम बना देते हैं, इन दोनों का कॉम्पिटिशन भी देखने लायक होगा। 6 मई को इनके आपस में टक्कर होने वाली है और जो लोग हैं हजारीबाग के फैसला करेंगे कि उन्हें जयंत सिन्हा चाहिए या गोपाल साहू, ये दो टाइटंस के बीच ये इनका कंपटीशन है। शिव पूजन, इस सीट के बारे में क्या कहेंगे, हजारीबाग एक अहम सीट है ये झारखंड की। लेकिन नक्सल प्रभावित भी क्षेत्र है, इस बाबत 7 बजे से ही वोटिंग शुरू हो जाएगी और ताबड़तोड़ रैलियां की थी दोनों ही जो प्रत्याशी हैं, उन्होंने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी थी। महागठबंधन को उम्मीद है कि कहीं न कहीं इस बात शायद कहीं न कहीं एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर होगा जो उनके पक्ष में काम कर सकता है। लेकिन भाजपा ने जिस तरीके से पूरे चुनावी रणनीति को रखा झारखंड में, जाहिर तौर पर भाजपा चाह रही है कि बहुत ज्यादा लॉस यानी कि 2014 का जो परफॉर्मेंस था वैसा लॉस इसको ना मिले। दूसरी ओर महागठबंधन में कहीं ना कहीं दरारें हैं वो खुल करके सामने आई हैं। लेकिन ऐसी भी बात है कि हम बात कर लेते हैं रांची सीट की, वहां पर राम पहल चौधरी साहब भाजपा के बहुत कद्दावर नेता थे, सीट नहीं मिली, अकेले खड़े हो गए। यानी कि एनडीए भी ये अंदरूनी लड़ाई का शिकार है और महागठबंधन भी अंदरूनी लड़ाई का शिकार है, ये कितना ठीक है। शिव पूजन तो मुद्दे और झारखंड तो नक्सल को भी फेस कर रहा है, उनके लिए अलग चुनावी मुद्दे रहे होंगे, आपके पास फिर लौट कर आएंगे। फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।